और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है गाइज। देखिए आज फिर हम लोग को बुलाया गया था प्रोजेक्ट के सिलसिले में। ये देखिए सबका आज नए नए लुक में आज सब नज़र आ रहे हैं आज आपको। ये देखिए रेड टी शर्ट में उधर भोला कुमार जो है पूरा एकदम मस्त एकदम आज एकदम चमक के आया है। देखिए गाइज आप लोग इसको देखे नहीं होंगे, इसको कैक्टस बोला जाता है। इसको इससे बहुत फ़ायदा होता है, अगर आपके जोड़ों में दर्द वगैरह है तो इसको करुआ तेल में डाल के। आज फिर हम लोग प्रोजेक्ट के सिलसिले में आए थे गाइज कॉलेज। देखिए हम लोग जा रहे हैं वापस, काम हो गया हम लोग का। आज भी टास्क दिया गया है, सब बंदे लोग यहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं देखिए। और ये आलोक है, अभी हम लोग फिलहाल पेड़ के छांव में रुके हुए हैं। ये थोड़ा सा ठंडक मिल रहा है क्योंकि हर दिन हम लोग को कॉलेज से बुलाया जाता है दोपहर में ही। आज भी बहुत गर्मी है गाइज, थोड़ा सा उमस भी है इधर। देखिए बस वो पेड़ के नीचे जाते हैं तो थोड़ा सा राहत मिलता है। और इधर अभी पूरा कटाई चल रहा है गेहूं का, और आप देख रहे हैं इधर कटाई चल रहा है, यहाँ बंदे लोग आ रहे हैं सब। उधर फोटो शूट चल रहा है गाइज, देखिए यस फोटो शूटिंग चल रहा है, दोनों लोग फोटो शूट कर रहे हैं। और लगता है बारिश का आसार दिख रहा है गाइज, थोड़ा देर में लगता है बारिश हो जाएगा। जिस तरह से बूंद टपकना शुरू हो गया है, बारिश का एक एक बूंद टपक रहा है। और अभी फ़िलहाल हम लोग का कुछ प्रोजेक्ट रेडी हो गया है, अभी कुछ दिन और लगेगा। 28 तारीख को हम लोग को डेट दिया गया है, मीन्स अभी से 15 दिन बाद हम लोग को जमा करना है प्रोजेक्ट। आई होप हम लोग का प्रोजेक्ट समय से बन जाएगा। वैसे आज तो हम लोग को कोई डांट नहीं पड़ा है गाइज, आज हम लोग सब वर्क करके गए थे जो टास्क दिया गया था हम लोग को करने के लिए। और परसों से हम लोग का 7 सेम का एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है। पिछली बार हम लोग इसी पेड़ से जामुन खाते थे गाइज, इस बार तो हम लोग फाइनल ईयर में हैं तो हम लोग पास आउट हो जाएंगे। इस बार हम लोग जामुन नहीं खा पाएंगे इस पेड़ से। और देखिए उन लोग दोनों अभी पीछे ही है, और अभी फ़ोटो शूटिंग चल रहा है उन लोग का। इतने धूप में भी फ़ोटो शूट कर रहे हैं सब लोग। बारिश स्टार्ट हो गया है गाइज हल्का हल्का। गाइज हम लोग के रास्ते में शीशम का पेड़ भी पड़ता है, देखिए अभी इसमें इसको एक छोटा सा फल जिसको बोलते हैं लगा हुआ है, ये सूख के गिरता है। यहाँ के जितने भी लोकल निवासी सब है इससे खाना बनाते हैं, इसके जलावन से जब लकड़ी सूख जाता है तो। और इधर और भी रास्ते में बहुत तरह तरह के पेड़ हैं। और देखिए गाइज इस बार बैर अभी फड़ा नहीं है, पिछली बार बहुत फड़ा था और हम लोग खाए नहीं हैं इस बार बैर। देखिए गाइज ये है भोला कुमार, इसको हरियाली चाहिए, कहता है खेत की तरफ से ही जाएंगे हम लोग। और देखिए हम लोग जा रहे हैं गाइज, बहुत परेशानी होता है आप समझ सकते हैं कितना कष्ट है कॉलेज कंप्लीट करने में। ये प्रोजेक्ट का लफड़ा बहुत बड़ा टेंशन है गाइज ये सब। और इसी रास्ते से अभी कुंवर नहीं है गाइज, इसमें ताड़ी निकलता है, आप ताड़ी भी पी सकते हैं। देखिए गाइज खेत में बकरी वहाँ गेहूँ खा रही है देखिए, और आधा फसल तो ये सब जानवर लोग ही बर्बाद कर देता है। देखिए गाइज हम लोग कॉलेज से कितना दूर आ गए हैं, हम लोग का कॉलेज वो है फिलहाल। हम लोग इतना रास्ता तय कर चुके हैं, अभी और थोड़ा सा रास्ता बचा हुआ है। वैसे धूप नहीं लगता है गाइज हम लोग को, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारा पेड़ है तो आराम होता है आने जाने में, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ जाता है हम लोग के रूम से तो थोड़ा सा परेशानी होता है। लेकिन कोई बात नहीं, कष्ट से ही सफलता की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अभी परिश्रम करेंगे तभी बाद में फल मिलेगा। और देखिए यहाँ छोटा सा चापाकल है, अगर आपको प्यास लगे तो पानी पी सकते हैं। और देखिए हमारे सभी ग्रुप मेंबर सब जा रहे हैं फिलहाल, बहुत मेहनती हैं इन लोग, हर दिन आते हैं। को आप पहचानते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा कि ये कौन सा पेड़ है और इसमें क्या, देखिए इस फल का क्या क्या उपयोग आता है आप बताइएगा। ये हमारे रास्ते में पड़ता है ये पेड़, आप देख अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा। और उधर गाइस जो आप देख रहे हैं वो उस साइड एक फेमस मंदिर है जहाँ की मैरिज वगैरह होता है, और बहुत पुराना मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है।
और वहाँ देखिए नया घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है फिलहाल। तो आप ये ट्रैक्टर अगर आप नहीं देखे होंगे, आपके इलाके में नहीं है, तो आप देख सकते हैं इसे मिट्टी ढोने का काम और बालू ढोने का काम किया जाता है। और बरसात के समय में इससे फार्मिंग का काम में इसको उपयोग में लिया जाता है। अगर आप इंडिया के बाहर से हैं तो आप इसको देख सकते हैं, बिहार में इसका उपयोग किया जाता है खेती वगैरह में, और भी बहुत सा पर्पस है इसके काम के लिए। देखिए गाइज, अब हाइड्रोलिक वाला आ गया है। देखिए हाइड्रोलिक कैसे उठ रहा है गाइज, आप देख रहे होंगे। ये देखिए हाइड्रोलिक सिस्टम अब आ गया है। पहले तो इसको मैन्युअली किया जाता था, लेकिन अब हाइड्रोलिक सिस्टम आ गया। अब ये मशीन के द्वारा हो जाता है बाई प्रेशर। चलिए गाइज, जो आपको मंदिर बताए थे हम कि बहुत पुराना मंदिर है, चलिए उसको भी घुमा देते हैं। ये देखिए बरगद का पेड़ है, और अभी सभी लोग डिसीजन ले रहे हैं कि जाना है कि नहीं। तो आधा लोग नहीं जाने के लिए तैयार हैं, आधा लोग बोल रहा है कि चलेंगे। अब देखिए क्या डिसीजन होता है, उसके बाद हम आपको बताते हैं। गाइज, तो उन लोग का डिसीजन हुआ कि नहीं जाना है। तो अब देखिए, एक रास्ते में एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल पड़ता है, यहाँ के लोकल सारे बच्चे लोग पढ़ने आते हैं। आज छुट्टी है तो इसलिए आज क्लास नहीं चल रहा है। और भी इस जगह पे एक दो मंदिर है गाइज घूमने का। मैं अगर फ्री रहता हूँ, एग्ज़ाम देने के बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, उसके बाद मैं आपको वहाँ भी ले चलूँगा, घुमाऊँगा। ऐसे एक छोटा सा पुल है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे। इस पुल में अभी बरसात के टाइम में बहुत सारा मछलियाँ आते हैं। अभी फ़िलहाल तो ये सूखा हुआ है, लेकिन रेनी सीजन में इसमें बड़े बड़े मछलियाँ आते हैं सब लोग। ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर दूसरे ब्लॉग में। देखिए गाइज, इन लोग छोटा छोटा बच्चा सब धूप में क्या कर रहा है, चलिए इन लोग से पूछते हैं क्या कर रहा। क्या बाबू क्या कर रहे हो तुम लोग? मगही बोल रहा हूं की करत बड़े हो? भोजपुरी में मगही। लकड़ी ले जाके क्या करोगे घर पे, खाना बनाओगे उससे? तो बोतल लेके घूम रहे हो, उसमें पानी नहीं है? देखिए गाइज, सब इन लोग बच्चा सब लकड़ी लेके घूम रहा है। अब फिलहाल हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ, पेड़ आपको दिख रहा होगा बरगद का पेड़, यहीं से हम लोग शुरुआत किए थे। अब हम लोग का रूम भी आपको दिख जाएगा गाइस, थोड़ा देर में है।